करना चाहते हैं, एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आपका बेदी खास प्रोग्राम में। हमारे देश की एक बड़ी जनसंख्या, जो कि हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और कृषियों के हित के लिए बात की जाती है, जो किसान जो पूरे देश में अनाज पहुंचाता है, अन्न देता है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि आखिर वही क्यों दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज होता है? तमाम योजनाओं के बाद, तमाम सरकार की योजनाओं के बाद, वादों के बाद, आज भी किसानों को लेकर राजनीति होती है, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं होती। किसानों को लेकर पार्टियां राजनीति करती हैं, उन्हें मुद्दा बनाती हैं, लेकिन क्या कभी किसानों की स्थिति अच्छी होगी? क्या किसानों के हालत सुधरेंगे? क्या किसानों के जो स्थिति बद से बदतर है, क्यों किसान आत्महत्या करता है? क्यों किसान मजबूरी के तहत अपनी जान दे देता है? क्यों किसान लोन ना चुकाने के चलते खुदकुशी कर लेते हैं? क्या कभी सोचा है? और इसी को लेकर पार्टियां कितनी राजनीति करती हैं, ये मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आज के बड़े बड़े अखबारों में जब किसानों को लेकर मुद्दे छपे, जब इस पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को लेकर निशाना साधा, तो उन्होंने क्या कहा। मैं सबसे पहले आपको लेकर चलता हूं सीधा मुख्य खबरों की ओर, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर पार्टियां कोई सी भी हो, लेकिन कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आखिर किस राज में किसान खुश हो, ये सोचने वाली बात है। तो चलिए लेके चलते हैं सीधा आपको खबर की ओर, जहां पर जनसत्ता अखबार ने सबसे बड़ा पहले इस खबर को तरजीह दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है, कांग्रेस ने किसानों को गुमराह किया, अन्नदाता और देश की आत्मा है किसान। मैं दिखाना चाहूंगा आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को उनके उत्पाद की लागत पर 50% अधिक समर्थन मूल्य तय करके उनका स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, वहीं कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसानों को गुमराह करके उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया। वहीं मुक्तसर साहिब के अंतर्गत आने वाले मलौट में अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित किसान कल्याण रैली में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से आए किसानों को संबोधित कर रहे थे। अगर मैं बात करूं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से किसानों की, तो क्या आपको लगता है कि किसानों की हालत इन राज्यों में मजबूत है? क्या आपको लगता है कि इन राज्यों में किसान बेहद ही मजबूत स्थिति में है? किसान खुशहाल हैं? किसान खुशहाली की जिंदगी जी रहे हैं? क्या आपको लगता है? एक ऐसी खबर संबंधित है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कांग्रेस ने किसानों की इज्जत नहीं की, केवल वोट बैंक समझाएंगे। मोदी ने कहा है और कांग्रेस पर निशाना साधता है। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने किसानों की इज्जत नहीं की और 40 मिनट के भाषण में MSP पर ही फोकस रहा। MSP के जरिए किसानों को राहत देने की कोशिश जो मोदी सरकार कर रही है, मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि आखिर मोदी ने कांग्रेस को लेकर क्या क्या निशाने साधे। प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर किसानों की इज्जत नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस पार्टी ने कृषकों के सशक्तिकरण के लिए कार्य नहीं किए और उन्हें केवल वोट बैंक समझती रही, लेकिन जब से उनकी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य 1.5 गुना किए जाने की घोषणा की है, तब से कांग्रेस और उसके सहयोगियों की नींद उड़ गई है। क्या आपको वाकई लगता है कि जब से मोदी सरकार ने उनके मूल्य जो होते हैं उसे 1.5 गुना बढ़ाने की कोशिश करके जो किसानों को उपहार दिया है, क्या उसके बाद कांग्रेस में हड़बड़ी मची हुई और किसान खुश है? क्या आपको लगता है कि इस MSP से किसानों को बहुत फायदा पहुंचा है? इस MSP के चलते मोदी सरकार ने बहुत तारीफ काबिल काम किया है और किसान जो कि उनकी अच्छी हालत हुई है, और इसके बाद अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो वो इससे घबराई हुई है। क्या इसमें सच्चाई है? चलिए जानते हैं और खबर आखिर क्या है। उन्होंने कहा है,
कांग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पार्टी ने 70 सालों तक किसानों की नहीं बल्कि एक परिवार की चिंता की। देख सकते हैं आप खबर में, किसानों की मेहनत की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि कैसे भी हालात रहे हों, देश के किसान कभी भी कठिन परिश्रम करने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि आखिर 2019 में लोकसभा चुनाव है उसके लिए क्या मायने हैं, किसान कितना मायने रखते हैं, मैं आपको लेके चलता हूं। पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में कुल वोटरों में से 60% किसान हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। इसलिए MSP बढ़ाने के क्रेडिट की आड़ में वोट बैंक को मजबूत करना लक्ष्य रहा। मोदी जो कि 2022 तक किसानों के मुनाफे का धंधा बनाने का वादा कर आगामी लोकसभा चुनाव में अप्रत्यक्ष तौर पर समर्थन भी मांग गए, यानी कि 2019 की तो छोड़िए, 2022 तक की उन्होंने सोच ली है कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी होगी। इस वादे के साथ मोदी सरकार दोबारा ये कहती है कि हम 2019 में जब सरकार बनाएंगे और 2022 तक आपकी आय, किसानों की आय दोगुनी होगी, और इसी आड़ में 2019 में अपने लिए समर्थन भी मांग गए। इशारों में कह गए मोदी जी को, बताता हूँ। इसी कड़ी में सुखबीर ने चौधरी देवीलाल, जो कि उन मैं बताऊं चौधरी चरण सिंह का नाम लेकर हरियाणा के किसानों को भी रिझाने की कोशिश की। उन्होंने आखिर बादल पर फिर भरोसा क्या कहा, देखते हैं। भाजपा गठबंधन को लेकर आने वाले तमाम अटकलों पर विराम लगा मोदी ने बादल को किसानों का सबसे बड़ा हितेशी बताया, जो कि बादल सरकार किसानों की सबसे बड़ी देशी है, ऐसा उन्होंने कहा। बादल ने मोदी को पंजाब के विकास का जादूगर बताया। मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए गठबंधन को मजबूत दिखाया। तो वहीं मलौट में किसान रैली के दौरान एक तरफ जहां मोदी और बादल किसानों के कल्याण व अन्न उत्पादन से जुड़ी कई योजनाओं के बारे में बात कर रहे थे, तो वहीं रैली में आए लोगों ने बड़ी मात्रा में खाना इस तरीके से बर्बाद कर दिया। तो वहीं हरियाणा के CM खट्टर बोले कि कैप्टन रावी का पानी पाकिस्तान को दे रहे हैं, ये जो उनके अलग अलग मुद्दे चलते हैं किसानों को लेकर, उनके बयानों को लेकर कि आखिर क्या क्या है। और मैं बताऊंगा किसान रैली में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का अगर मैं आपको बयान बताऊं, उन्होंने कहा पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह को पत्र लिखकर रावी दरिया के पानी को पाकिस्तान भेजने के बजाय उसे रोककर व्यवस्थित ढंग से योजनाबद्ध करने को कहा था, मगर उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। किसान और सरकार को करोड़ों का राजस्व, जो कि उन्होंने बात बताई। तो वहीं 40 मिनट के भाषण में अगर मोदी, जो कि MSP पर क्या उनका गौर रहा, क्योंकि MSP एक ऐसा जरिया जिसके जरिए वो किसानों को लुभा सकते हैं, किसानों को उन्होंने राहत दी। MSP बढ़ने से अकेले पंजाब के किसानों को ही 4500 करोड़ का फायदा होगा, ये उन्होंने बताया, जबकि राज्य सरकार को भी 500 करोड़ का राजस्व आएगा। रैली में मोदी ने MSP के मुद्दे को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कहा कांग्रेस के समय किसानों को फसलों का लाभ 10% तक ही सीमित रहा, लेकिन मोदी सरकार में उनको कितना लाभ मिल रहा है ये उन्होंने बताया। क्या मोदी सरकार सच में किसानों की हितेशी है? क्या मोदी सरकार जब से आई है तब से किसानों की स्थिति अच्छी हो गई है? किसानों के बच्चे बहुत ही खुशहाल जीवन जी रहे हैं, किसानों की आय जो कि बढ़ गई है, उनकी हालत अच्छी हो गई है, वो गरीबी से नहीं मर रहे हैं, वो खुदकुशी नहीं कर रहे हैं, वो लोन नहीं चुका पा रहे हैं, वो आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेके आप देखेंगे? क्या किसान भुखमरी से नहीं मर रहे हैं? क्या किसानों पर गोली नहीं चलाई जा रही है? क्या नहीं हो रहा है भाजपा सरकार में? अगर हम इसका पूरा एक बड़े तौर पर देखें तो आखिर, और अभी मैं आपको बताऊं कि किसान ही थे जो कई राज्यों में भाजपा सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से महंगाई किसानों की कमर तोड़ रही है, किस तरह से भाजपा सरकार में महंगाई किसानों में असंतोष पैदा कर रही है, किस तरह से महंगाई से किसान एकदम टूट गए हैं और वो अपनी गरीबी, अपनी हालत के चलते वो सड़कों पर उतरने के लिए आमादा हो गए हैं। उसमें दिखाया कि आखिर किसानों की हालत क्या है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई राज्य के किसान BJP सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे। और अभी कुछ महीने पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, हल्ला बोला कि मोदी सरकार की नीतियों को बदला जाए, और उन्होंने बोला कि आखिर
इस सरकार को दोबारा सरकार में नहीं आना चाहिए, इस पार्टी को दोबारा नहीं जिताना चाहिए। तो वहीं और मोदी सरकार है जो किसानों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधती है, जो ये कहती है कि किसानों को सिर्फ कांग्रेस ने वोट बैंक समझा। अगर किसानों को कांग्रेस ने वोट बैंक समझा तो आपने किसानों के लिए कौन सी राहत दे दी, आपने उनके लिए कौन सा इतना बड़ा काम किया। जो किसान बहुत अच्छे तरीके से जी रहे हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से जी रहे हैं, उनकी स्थिति अच्छी हो गई, हालात अच्छी हो गई और उनके हालात पहले से सुधर गए हैं। आखिर मोदी सरकार को ब्यौरा देना चाहिए काम का, अपना सारा आंकड़ा पेश करना चाहिए कि आखिर उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर तो पहुँचाए लेकिन कितने किसानों के घर में उन्होंने अन्न पहुँचाया, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई, उनके हालात अच्छे हुए। सोचने वाली बात है और ये जानने वाली बात है कि क्या सच में ही किसान मोदी सरकार को चाहते हैं या फिर किसान इस बार मोदी सरकार को बदलेंगे। और जैसा कि उनका ये दावा था, क्या देश की आत्मा और अन्नदाता है किसान मोदी के लिए, क्या हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात किसी खास मुद्दे के साथ। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार। करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।